जा चुके हैं इंदौर से सीधी विजय ट्रेवल, सीधी से इंदौर जाने वाली पहली बस, सीधी से इंदौर जाने वाली अगली बस की बात करूंगा तो ये है विजय ट्रेवल जो कि प्रतिदिन सीधी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ सीधी से इंदौर जाने वाली बसों के बारे में, सीधी से इंदौर के लिए कौन कौन सी बसें जाती हैं। अभी मैं सीधी के नया बस स्टैंड में हूँ। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा सीधी से इंदौर जाने वाली सभी बसों के बारे में, साथ ही बताऊंगा सीधी से इंदौर का किराया कितना है, सीधी से इंदौर की दूरी कितनी है और कौन कौन सी बसें सीधी से डायरेक्ट इंदौर जाती हैं, बैठन से इंदौर जाती हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इससे पहले मैं बता दूँ, मैं हूँ विष्णु पांडे सीधी से। दोस्तों ये है विजय ट्रेवल्स बस सर्विस सीधी से इंदौर के लिए। तो दोस्तों सीधी से इंदौर जाने वाली पहली बस की बात करूँगा तो ये है विजय ट्रेवल्स जो कि सीधी के न्यू बस स्टैंड से शाम टाइम 3:30 बजे रवाना होती है। हालांकि ये बैठन से इंदौर बस है, बैठन से सुबह 10:30 बजे रवाना होती है और सीधी 3 बजे पहुंचती है, 10:30 से 11 के बीच रवाना होती है। सीधी से छूटने का समय 3:30 बजे है। अब बात कर लेते हैं रूट की। तो सीधी से रवाना, बैठन से रवाना होती है बैठन, बरगवा, देवसर, बहरी, कुचवाही, सीधी। सीधी से इंदौर तक के रूट की बात करूंगा दोस्तों तो सीधी से सतना, पन्ना, छतरपुर, सागर, भोपाल, देवास, इंदौर। दोस्तों बात करेंगे जब किराए की तो ये बस 2x1 स्लीपर बस है। अगर आप सीट में बैठ कर सफ़र करना चाहते हैं तो सीट का किराया 1000 से 1100 के लगभग है और स्लीपर में अगर लेट कर आप सफ़र करना चाहते हैं तो स्लीपर का किराया 1200 से 1300 आपको पे करना पड़ेगा। इंदौर पहुंचने का समय विजय ट्रेवल्स का सुबह 9 बजे है, 8:30 से 9 के बीच आपको इंदौर बस स्टैंड में पहुंचा देती है। सीधी से इंदौर की दूरी की बात करूंगा दोस्तों तो सीधी से इंदौर लगभग 700 से 800 किलोमीटर है। तो यह था दोस्तों सीधी से इंदौर जाने वाली पहली बस की बात। अगर आप सीधी से इंदौर का सफ़र करना चाहते हैं बस के द्वारा तो आपको सीधी के न्यू बस स्टैंड में आना है और न्यू बस स्टैंड से आपको ये बस मिल जाएगी। आप टिकट तुरंत ले सकते हैं। रोटेशन पे चलती है बस, एक दिन विजय ट्रेवल्स, एक दिन अंबे ट्रेवल्स सीधी से इंदौर के लिए है। अभी मैं ये सीधी के न्यू बस स्टैंड में खड़ा हूँ। अगर आपको एडवांस में टिकट बुक कराना है दोस्तों तो आस्था ट्रेवल्स की ऑफिस है, वहाँ पे आप आके टिकट बुक करवा सकते हैं। सीधी के भानु कॉम्प्लेक्स तिराहे पे भी ऑफिस है। तो चलिए दोस्तों चल रहे हैं बस के अंदर, आइए दिखाते हैं बस के अंदर का दृश्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं बस के अंदर बैठने की व्यवस्था, सीधी से इंदौर जाने वाली सीट भी है और स्लीपर की व्यवस्था भी है जो कि 2x1 स्लीपर बस है। 4 बजे इंदौर के लिए रवाना होती है और इंदौर आपको सुबह में 9 बजे पहुँचा देती है। रूट की बात करेंगे दोस्तों तो सीधी से चल के रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, सागर, भोपाल होते हुए इंदौर पहुंचती है। किराए की बात करूंगा दोस्तों तो किराया 1100 रुपये सीट का और स्लीपर का 1300 रुपये आपको देना पड़ेगा। दोस्तों ये एक 2x1 सीट एंड स्लीपर बस है, एक
तरफ सिंगल सीट, एक तरफ डबल सीट स्लीपर बस है, सीधी से इंदौर के लिए प्रतिदिन। उपलब्ध सुविधाओं की बात करेंगे दोस्तों तो 2x1 स्लीपर बस है, साथ ही CCTV कैमरा, सीट, मोबाइल चार्जिंग सुविधा इस बस के अंदर उपलब्ध है। आ चुकी है इंदौर से सीधी विजय ट्रेवल्स, सीधी इंदौर जाने वाली पहली बस दोस्तों। यह बस इंदौर से शाम 4 बजे रवाना होती है और दोपहर 2 बजे सीधी पहुंच जाती है। अब यहां से बैठन जाएगी 2:30 बजे और 6 बजे बैठन पहुंच जाएगी। सीधी इंदौर की दूरी 867 किलोमीटर के लगभग है दोस्तों। ये अंबे ट्रेवल्स, एक दिन अंबे ट्रेवल्स जाती है और एक दिन विजय ट्रेवल्स बस सर्विस जाती है सिखामंगलम इंदौर बस स्टैंड में। शाम को 4 बजे आपको मिल जाएगी और सुबह में सीधी 12 बजे आपको पहुंचा देती है। प्लीज़ चैनल